wish you happy. All of you are going to be together. You're going to spend all your day from now onwards for the next 4 years right here with these people. So they are going to become your family. Yes. बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करो कि चलो या बहुत याद रहो. On behalf of all the freshers from the batch of year 22. Today, we all are here in NIT Kurukshetra, which is one of the best institutes across the country, and the credit of this somewhat goes to us. So a huge round of applause for all of us. हिमालय से नहीं गंगा निकलनी चाहिए, मेरे तो तेरे सीने में सही, तो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. कभी सुनकर बहुत रोया मैं, इन गानों से ही मिला सुकून मुझे और इन गानों में ही खोया मैं. अरे वाह, वैसे दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, ये लड़कियां जो होती है ना, ये हर किसी के मन की बात पढ़ने में माहिर होती है. सबसे पहले हम
आपके सामने अर्जुन और दुर्योधन के बीच एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं अर्जुन का किरदार निभाऊंगा, मैं दुर्योधन का किरदार निभाऊंगा और मैं कुलगुरु का किरदार प्रस्तुत करूंगा। मैं धृतराष्ट्र का किरदार निभाऊंगा। संजय उस असभ्य सूत पुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपने कपट, अपनी असभ्यता और अपने अहंकार के कारण वो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। यो! यो! इसलिए हे संजय, उस मूर्ख को समझाना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अपनी बरसेगी और अपनी गुरु सेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। बस साथी, तुम संदेश सुना रहे हो या ज्येष्ठ गुरु पुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो? ज्येष्ठ गुरु पुत्र तो गंगा पुत्र भीष्म युवराज। जानता हूँ कुल गुरु, ज्येष्ठ गुरु पुत्र तो पितामह है। मैं क्षमा चाहता हूँ परंतु एक घोषणा भी करता हूँ, यदि पिताश्री ने मेरा उत्तर लेकर अर्जुन तक नहीं पहुँचाया तो मैं स्वयं उपलब्ध जाकर उस अर्जुन के सब जीप खींच लूंगा और अपनी प्रतिज्ञा बना लूंगा। धीरज धीरज और धैर्य मेरे लिए नहीं बने पिताश्री, धन निभाऊंगा और मैं दासराज का किरदार निभाऊंगा। मेरी पुत्री सत्यवती की भाग्य रेखा में लिखा है कि उसका पुत्र ही राज करेगा, परंतु महाराज ने यही एक वचन था जो देने से इनकार कर दिया। दशरथ, महाराज ये वचन आपको दे ही नहीं सकते थे क्योंकि कोई भी राजा कोई एक वस्तु किसी दो व्यक्तियों को तो नहीं दे सकता ना। महाराज ने मुझे अपना युवराज बना लिया है, उनके बाद राजा मैं बनने वाला हूं। हां, यदि मैं चाहूं तो वो वस्तु किसी को दे सकता हूं। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि सिंहासन पर राज माता सत्यवती और पिता महाराज का ज्येष्ठ पुत्र ही करेगा। धन्य है आप, परंतु अब ये किस परंतु का कांटा आ गया मार्ग में दशराज? परंतु गंगा पुत्र, यदि आपके पुत्रों ने सिंहासन पर हक जताने का प्रयत्न किया तब क्या करेंगे आप? आपकी आशंका आधार ही नहीं है दासराज। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का तो अधिकारी हूं ना दासराज। इसलिए आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन पर विवाह नहीं करूंगा। Oh,